नमस्कार, अभी तक भारत चैनल में आपका स्वागत है। खबर मीरिया चौकी थाना क्षेत्र है से है, जहां एक फर्जी छिनतई का मामला सामने आया है। जी हां, एक युवक ने बैंक से रुपये निकालकर घर जाने के दौरान फर्जी छिनतई का मनगढ़ंत कहानी पहले सोशल मीडिया में फैलाया। इसके बाद उसने घर वालों को भी घंटों गफलत में रखकर फर्जी लूट की कहानी सुनाता रहा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक अनुरंजन किसकोटा ने इस मामले में थाना प्रभारी मिर्जा चौकी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को जांच का जिम्मा दिया, तो सारे मामले का खुलासा हुआ और फर्जी लूट के मामले का भी खुलासा हुआ। पहले यह सोशल मीडिया में बात फैलाई गई कि उससे 1 लाख रुपए की छिनतई कर ली गई, जबकि पैसे उसी ने रखे थे। सच्चाई क्या है, पहले पुलिस अधीक्षक से सुने उन्होंने जांच का क्या निर्देश दिया। सोशल मीडिया के माध्यम से इस बात की सूचना मुझे मिली है और इसके सत्यापन के लिए मैंने एसडीपीओ साहेबगंज और अफसर इंचार्ज को बोला हूँ कि वास्तव में यह घटना हमारे क्षेत्र में घटी है या नहीं। अगर घटी है तो इसके उद्भेदन के लिए सार्थक प्रयास किए जाएंगे। फर्जी छिनतई का मामला जैसे ही पुलिस के सामने आया, जांच का निर्देश होते ही अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र दुबे एवं मिर्जा चौकी थाना प्रभारी सक्रिय हो गए और पूरी घटना की जांच में जुट गए। घटना की जांच में चौंकाने वाली बात सामने आई। पता चला कि जिस युवक से छिनतई का मामले का प्रकाश में आ रहा है, दरअसल उसी ने मनगढ़ंत कहानी बनाकर फर्जी लूट की घटना को बताया और घंटों घर वालों को तो बरगलाया ही, साथ ही पुलिस को भी उसने घंटों बरगलाया। हालांकि बाद में पैसे भी रिकवरी हुए और उसने स्वीकार किया कि पैसा उसी के पास था। दरअसल वह मोटरसाइकिल से गिर गया था, घर वाले ने पूछा तो उसने यह बात बता दी। पैसा जो है तो भगिया स्टेट बैंक से हमारा भाई लेके जा रहा था। अच्छा, जा रहा था तो बरसात का दिन था तो गाड़ी पर से गिर गया था। तो गिर गया तब इनका मन में क्या हुआ नहीं हुआ तो पैसा ये मैंने रख लिए थे और हम लोग को मैंने सूचना कर दिए कि पैसा जो है तो छिना गया। तो बाद में नहीं, इनको दबाव दिया गया, हम लोग समझाया बुझाए तो पैसा बोले कि नहीं भैया गलती हो गया तो हमारे पास है। पैसा छिनाया नहीं था? नहीं नहीं, पैसा नहीं छिना। कितना पैसा था? पैसा 1 लाख। अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी राजेंद्र कुमार दुबे एवं मिर्जा चौकी थाना प्रभारी अशोक कुमार दिन भर इस मामले का उद्भेदन में जुटे रहे। असली जानकर इस मामले को दिन भर छानबीन करते रहे। अंततः पूछताछ के क्रम में सब साफ हो गया कि जिस युवक से लूट की घटना की बात बताई जा रही थी, दरअसल उसी ने फर्जी लूट की घटना का एक मनगढ़ंत कहानी बनाया था, जिसका उद्भेदन हुआ और पैसे की रिकवरी भी हुई और पैसे भी मिले। रात 8 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डीएसपी ने सारे मामले का जानकारी दिया। सोशल मीडिया से आया था, आज डीएसपी साहब के द्वारा हम लोग को दिया गया था, उनको और थाना प्रभारी को साथ फॉरवर्ड किया गया था और बताया गया था कि कल एक व्यक्ति जो थे मंडरों से जा रहे थे बैंक से पैसा निकाल के 1 लाख रुपये उनका क्या तब का मोटरसाइकिल सवार लोग 1 लाख रुपये उनका छीन लिए और थाना में इसकी सूचना नहीं दी गई थी। ये बात आज मीडिया में आया, थाना एसपी साहब के द्वारा मुझे और थाना प्रभारी को संयुक्त रूप से ये दिया गया कि आप लोग इसका सत्यापन कीजिए और कांड दर्ज करेंगे। मेरे द्वारा थाना प्रभारी को मंडरों भेजा गया, मंडरों में जाकर के थाना प्रभारी जो है कंप्लेनेंट से मिले, उनसे पूछताछ किए। काफी पूछताछ के बाद उनके द्वारा एक्सेप्ट किया गया कि ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी। वो जा रहे थे रास्ते में और एक ईद पे उनकी मोटरसाइकिल का एक चक्का चली गई जिसके कारण से वो गिर गए। उनके मन में कुछ के पास आया होगा। उसके बाद उन्होंने घर में जाकर के सूचित कर दिया कि अज्ञात अपराधकर्मी उनसे 1 लाख रुपया छीन लिए। उसी पर आज सोशल मीडिया में जो आई थी और थाना प्रभारी द्वारा सत्यापन किया गया, इसे पूछताछ किया गया सख्ती से। पूछताछ करने के बाद थाना प्रभारी के माध्यम से 1 लाख रुपया जो है ये बरामद हुआ है और ये कंप्लेनेंट जो कल के जो थे उन्हीं के भाई के द्वारा ये पैसा ला करके दिया गया है। उनके द्वारा बताया गया कि जो भाई पैसा निकालने के उनके मेरे भाई निकालने के लिए पैसा गए थे, उनके मन में कुछ 6-5 आया होगा, वो अपने पैसा रख लिए और थाना में जाकर अपना घर में सूचित कर दी कि इसे 1 लाख रुपया मेरा अज्ञात अपराधकर्मी द्वारा छीन लिया गया है, जबकि ये मामला नहीं था। थाना प्रभारी इसमें अच्छा से आज मेहनत किए हैं, दिन भर लगे हुए हैं, तो जिनसे पैसा छिना है वो भी यहाँ पे हैं, उनके घर वाले भी हैं
वही लोग भाई उनके पैसा दिए हैं, लाए हैं, अब इस पर जो विधि सम्मत कार्रवाई होगा वो हम लोग करेंगे।